11th subject science S.P. Montessori Company Road कुशीनगर के द्वारा जो वीडियो आपको जारी किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं, आप इस पर ध्यान दें। इसपे जो टॉपिक है इसी टॉपिक को लेकर के हम इस पर डिस्कस करेंगे। आप भी इसको ध्यान देंगे और आप इसको समझेंगे, जहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगा ठीक करेगा। चैप्टर 3 का इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या प्रभाव किस पे पड़ता है, हेजिंग आपको लेगा इलेक्ट्रिक फेज के लिए। तो आप सबसे पहले तो ये समझें कि इलेक्ट्रिक फेज है क्या। इलेक्ट्रिक फेज ए सैंपल डिवाइस, एक सैंपल डिवाइस है। वी क्लोज एंड ओपन द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें आप देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए सेफ्टी डिवाइस यूज इन सेवरल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू प्रिवेंट देयर डैमेज व्हेन एन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू देम। जे सैंपल डिवाइस जो फ्यूज होता है, या इस प्रकार से होता है कि इसमें एक थिन वायर प्रयोग किया जाता है और इस थिन वायर को वही है जब एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जो सर्किट डायग्राम होता है उसके लिए सर्किट जो परिपथ बनाया गया होता है उसमें जब एक्सेसिव करंट फ्लो होता है, अधिक जब उसमें करंट आता है, तो वे इलेक्ट्रिक जो थिन वायर का प्रयोग किया गया है वह टूट जाता है, यानी ब्रेक डाउन होता है, और इससे अन्य अप्लायंस जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, बल्ब है या चीज में भी आप प्रयोग करते हैं, फैन है या अन्य जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको बचा देता है। यही इलेक्ट्रिक फ्यूज है, लेकिन इसमें इसकी प्रोसेस को हम समझेंगे। द फ्यूज मेक्स यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू स्विच ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब होता है, जब उसमें अधिक मात्रा जब विद्युत का प्रवाहित होता है, तो ब्रेक डाउन भी होता है या उसको स्विच ऑफ भी हो जाता है। तो इसमें कहने का अर्थ यह है कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू स्विच ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन लार्ज अमाउंट केजेज शॉर्ट थिन वायर इन द फील्ड टू हीट अप एंड मेल्ट। इस लार्ज अमाउंट का अर्थ यह होता है कि जब उसमें एक्सेसिव करंट आएगा, तो जो थिन वायर अभी मैंने बताया वो कैसे ब्रेक डाउन होगा, वह ज्यादा कैपेसिटी का उसमें इलेक्ट्रिक करंट को नहीं रोक पाता है, वह थिन वायर जो होता है मेल्ट हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण वह मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद वह ब्रेक डाउन। अब इससे अन्य अप्लायंसेस उसको बच जाते हैं। वेल द वायर इन द फ्यूज मेल्ट्स, वी से द फ्यूज है ब्लो। हम लोग जब थिन वायर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम लोग यह कहते हैं कि फ्यूज उड़ गया, यानी कि फ्यूज ब्लोन हो गया, उड़ गया। यही इलेक्ट्रिक फ्यूज का है, इसी के कुछ दिखाए गए हैं कि जैसे फ्यूज वायर का ये देखिए फ्यूज कैसे बनता है। इसमें जो कनेक्ट किया गया वायर या फ्यूज, यहाँ ये फ्यूज वायर है और इसमें फ्यूज होल्डर, देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज इसमें शो किया गया है, इसके जो फिगर है। दूसरी बात, फ्यूज वायर यहाँ पर दिया हुआ है, फ्यूज होने के बाद जो मेल्ट हो गया एंड ब्रेक्स द सर्किट, जब मेल्ट हो जाएगा तो जो सर्किट उसके लिए होगा वह सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होता है। जब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्यों इनकम्प्लीट होगा, अभी मैंने उसको फिर रिपीट में कर रहा हूँ, जो थिन वायर का उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं वह एक्सेसिव हीट के वजह से वह मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद वह सर्किट को इनकम्प्लीट बना देता है। तो जब इनकम्प्लीट बना देगा तो उस सर्किट काम नहीं करता है,
उससे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू नहीं होता है। अब पासेस थ्रू नहीं होगा, इससे लाभ आपको ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, रेडियो है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, या अन्य जिसमें भी आप उसका उपयोग करते हैं उसको सुरक्षित बचा देता है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे डिस्कस करूँगा।